हिंदुस्तानी टाइम्स में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर सांगली में जो बरसात ज्यादा होने की वजह से बाढ़ आई है, उसके वजह से हजारों लोग घर से बेघर हो गए हैं और भारी तादाद में नुकसान हुआ है। वहाँ के लोगों को राहत मिले इसलिए देश भर से अनेक संस्था, संगठना, राजकीय पक्ष अपने अपने तरीके से मदद कर रहे हैं। ऊना कैंप इलाके की उस्मानिया मस्जिद की ओर से भी मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उस्मानिया मस्जिद के मेंबरान ने 8000 पार्ले जी बिस्किट के पैकेट को बाढ़ पीड़ित इलाके में भेजने की तैयारी की है। ये बिस्किट बाढ़ पीड़ित इलाके में जल्द पहुंच जाएंगे। इस कार्य में फरीद कुरैशी, जावेद खान, शेर मोहम्मद रंगरेज, अल्ताफ खान, हसन रंगरेज, जिशान शेख, फिरासत शेख, साजिद भाई और दीगर मेंबर की कोशिश से ही ये बिस्किट जमा कर पहुंचाने का काम जारी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरीद कुरैशी है। की मस्जिद का नाम क्या है? हमारी मस्जिद का नाम है उस्मानिया मस्जिद ऊना कैंप। इन बॉक्स में क्या है और कहाँ देने वाले हो? इन बॉक्सों के अंदर पार्ले जी की बिस्किट है। अभी हम लोग सांगली और कोल्हापुर पहुँचा रहे हैं। कितने बिस्किट्स हो गए? तकरीबन 7 से 8 हज़ार बिस्किट के पैकेट्स हैं। आप लोगों ने इसके लिए पैसे कहाँ से जमा किए? ये हम लोग मस्जिद के लिए हमारे जो मुफ्ती आते हैं उनसे हम लोग ऐलान करके कलेक्शन करते हैं। लोग 2 रुपये से लेके 1000 रुपये तक डालते हैं और उसी का कलेक्शन हम लोग जमा करते हैं। जब भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग ऐसे वक्त में पैसे का इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों ने पहली बार किया है या और कई बार कर चुके हैं अलग अलग तरीके? हम लोग हमेशा करते रहते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो हम लोग ऐसे ऐसे पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाते हैं।